Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a new chapter, chapter number 7, जो हमारा है congruence of triangles. congruence of triangles. तो सबसे बात पहली बात आती है congruence किसे कहते हैं. कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, इसकी बात करें टू ऑब्जेक्ट की बात हो, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का शेप और साइज सेम है, साइज दोनों क्या हो, सेम हो. कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहलाएगा कांग्रुएंट. क्या कहलाएगा, कांग्रुएंट कहलाएगा. आई बात फिर से बता रहे हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट शेप में भी सेम है, साइज में भी सेम है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा ये दोनों कैसे ऑब्जेक्ट है, कांग्रुएंट ऑब्जेक्ट है. और उनके बीच का जो रिलेशन आएगा, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का, दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जो रिलेशन बनता है, उसी रिलेशन को हम कांग्रुएंस कहते हैं. आई बात समझ, यानी जब दो ऑब्जेक्ट कांग्रुएंट हो जाते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच कुछ रिलेशन बनते हैं जिनको हम इस चैप्टर में सीखेंगे, और उन्हीं रिलेशन को हम कांग्रुएंस कहते हैं. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए सबसे पहले चेंज द प्लान्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है ए, टू लाइन सेगमेंट आर कांग्रुएंट, दो लाइन सेगमेंट को कांग्रुएंट कहा जाएगा इफ, अगर उसके बाद ब्लैंक स्पेस है. कब कहा जाएगा, अगर दोनों की लेंथ क्या है, सेम हो, है ना. तो इफ दे है सेम लेंथ, अगर दोनों की लेंथ सेम होगी, वो दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगी, कांग्रुएंट. जब दोनों लाइन सेगमेंट है, तो जाहिर सी बात है दोनों का शेप एक ही है, केवल क्या पता करना है, साइज, साइज किससे पता चल रही है, लेंथ से पता चल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन डी, अमाउंट टू कांग्रुएंट एंगल्स. अब देखिए दो कांग्रुएंट एंगल की बात कर रहा है, वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ अदर एंगल इज, दो कांग्रुएंट एंगल्स है, अगर एक का मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे का क्या होगा, यही देखते हैं, दोनों की शेप सेम होगी, दोनों की साइज सेम होगी, जब साइज सेम होगी ये भी कितने हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, इस वजह से भी हमारा क्या रहेगा, 70. सी की तरफ बढ़ते हैं, सी में लिखा हुआ है व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जब हम ये लिखते हैं एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो हम क्या, व्हाट वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब ये हुआ कि एन एंगल ए इक्वल टू एन एंगल बी, ये ब्लैंक स्पेस में आपको लिखेंगे. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ए, जो फिलेबल बैंक्स का. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कांग्रुएंस शेप. अब कह रहा है कि अपने रियल लाइफ में तो ऐसे एग्जांपल दीजिए जो क्या हो, दो ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या हो, कांग्रुएंट. तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं पेज नंबर 133, जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें देखिए कुछ नीचे आपकी फिगर्स बनी होगी, नीचे ब्लेड की फिगर है, उसके बाद आपकी लेटर पैड की फिगर है, फिर तीसरी बिस्किट की फिगर है, और चौथी जो है कुछ टॉयस की फिगर है. तो ये चारों देखेंगे इनकी शेप, इन चारों में आप गौर करेंगे तो इनकी शेप और साइज चारों केस में क्या है, सेम, इस वजह से ये सारी फिगर्स कैसी है, कांग्रुएंट.
इसमें से आप कोई भी देख सकते हैं, और इसमें दिया हुआ है ऊपर शेविंग ब्लेड ऑफ द सेम कंपनी लिखा हुआ है, शेविंग ब्लेड ऑफ द सेम कंपनी हमेशा क्या होंगे, कार्डबोर्ड होंगे। इसी तरीके से शीट ऑफ द सेम लेटर पैड आपके सामने है, लेटर पैड शीट ऑफ द सेम लेटर पैड, अगर लेटर पैड सेम है तो उनकी शीट भी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से बिस्किट इन द सेम पैकेट, एक ही पैकेट में जो बिस्किट होते हैं उसे भी आप देखेंगे उनकी सेम और साइज क्या होती है सेम। तो ये चार चीजें हैं, इनमें से आप क्या करेंगे, दो लिखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में एक ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ देखिए ये एक चीज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्वल, और ये ऊपर ये ऐसा बना हुआ इसे कहते हैं कांगुएंट, इसे आप लोग इक्वल कहते हैं, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, कांगुएंट। कांगुएंस का मतलब होता है मतलब लगभग एक जैसे, लगभग यानी करीब करीब बिंदु क्या है, एक जैसे इक्वल है, ये तो इक्वल की साइन है, और इसकी साइन है कांगुएंस, ठीक है। तो कांगुएंस और इक्वल में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। यहां पर कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ये कांगुएंस है ट्रायंगल एफईडी। अगर कोई कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफईडी के कांगुएंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, नाम लिखते हैं ए बी सी, इसी शेप का दूसरा भी ट्रायंगल होगा, और साथ ही साथ साइज भी सेम होगी, क्योंकि कांगुएंट में हम दो चीजें सीखते हैं, शेप भी सेम होना चाहिए और साथ में साइज भी सेम होनी चाहिए, यानी जितना बड़ा ए बी सी होगा उतना बड़ा यह आपका क्या होगा, एफ ई डी भी होगा। अगर ये यहां से ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, यही से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा लेटर अगर यहां लिख रहे हैं तो इसमें दूसरा लेटर आपको कहां लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा, ये फिगर। तो इसका मतलब केवल अगर ट्रायंगल एफईडी तो ये चीजें जहन में हमारे आ जानी चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है, अंडर द करेस्पोंडेंस ऑफ ए बी सी, आगे दे रहा है ए बी सी सेम है इसे एफईडी, ठीक है। अब इसमें क्या हमसे पूछता है, राइट द करेस्पोंडिंग कांगुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, करेस्पोंडिंग कांगुएंट पार्ट लिखना, यानी इसका कांगुएंट पार्ट वो कौन सा ऐसा कांगुएंट पार्ट है जो इससे कांगुएंट है। जैसे अगर इसमें देखा जाए ए बी सी ट्रायंगल की बात की जाए और एफ ई डी ट्रायंगल की बात की जाए, तो इसका एंगल ए, एंगल ए के कांगुएंट है, हम लिखेंगे एंगल ए है इक्वल है इसके, एंगल एफ के इक्वल है, इसी तरीके से एंगल बी, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और एक और एंगल सी, एंगल डी के इक्वल होगा, तो एंगल सी इक्वल होगा आपका एंगल डी, ठीक है। करेस्पोंडिंग पार्ट का एक ही जैसे एक ही लिखना होगा। ये रहे आपके तीन एंगल काम के साथ, अब साथ ही साथ जब दो ट्रायंगल बनते हैं तीन एंगल के अलावा तीन साइड भी आपकी कांगुएंस होती है, कौन सी साइड, सबसे पहले हम लेते हैं ए बी साइड, ए बी किसके कांगुएंस होगी, एफ ई डी कांगुएंस होगी, तो लिखते हैं ए बी लाइन सेगमेंट कांगुएंस होगी एफ ई लाइन सेगमेंट, दूसरी लेते हैं ये बी सी, बी सी ये इक्वल होगी किसके, ई डी के, और इसी तरीके से तीसरी आ जाएगी ए सी ई डी की इक्वल, ए सी इक्वल हो जाएगी ई डी। ये रही आपकी कांगुएंस पार्ट कांगुएंस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कांगुएंस है, इन दोनों ट्रायंगल कांगुएंस के कांगुएंस पार्ट यहाँ पर नीचे लिखे गए, कुल कितने टोटल कितने बन रहे हैं, टोटल सिक्स बन रहे हैं, थ्री एंगल्स कांगुएंस होगा और थ्री साइड आपकी कांगुएंस, इसे राइट डाउन करेंगे। इसे किस एरो से देखा जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर हमें इसी तरीके से दिखाना है और इसे इसी तरीके से दिखाना है। सी कांग्रुएंस है, ठीक है, ये इसके कांग्रुएंस है, ये इसके कांग्रुएंस होगी और ये इसके कांग्रुएंस होगी। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है ट्रायंगल डीईएफ कांग्रुएंस टू ट्रायंगल बीसीए। देखिए ट्रायंगल डीईएफ कांग्रुएंस है ट्रायंगल बीसीए। DEF का कांग्रुएंस है BCA के। अब इसमें आपको बताना क्या है, राइट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट करेस्पोंड टू D। अब BCA के पार्ट लिखने हैं, जो सबसे पहले से दे रहा है एंगल E के कांग्रुएंस होगा। तो बताइए एंगल E के कांग्रुएंस BCA का कौन सा पार्ट होगा। तो एंगल E देखिए बीच में आ रहा है, तो बीच में कौन सा होगा, एंगल C होगा। ठीक है, फिर यहाँ इक्वल ये सिंबल लगाया जाएगा। ठीक है, एंगल ई के करस्पॉन्डेंट कांग्रुएंस कौन है, एंगल सी है। इसी तरीके से सेकंड है आपका ई एफ, लाइन सेगमेंट ई एफ। तो ई एफ का आप बता सकते हैं कि नहीं, सॉरी ई एफ का क्या होगा, तो ई एफ देखिए यहाँ पर ये दो लास्ट के दो लेटर, तो ये भी लास्ट के दो लेटर हो गया, ये क्या जाएगा आपका साइन सी ए। इसी तरीके से थर्ड है और फोर्थ भी आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज पार्ट वन, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास वन का पेपर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, सलाम।